नमस्कार दोस्तों, ग्राउंड फाइट इंडिया चैनल पर आप सबका पुनः एक बार मैं स्वागत करता हूं। आज मैं सती अनुसुईया के उस आश्रम में हूं जो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। ये वही तपोभूमि है, उसी तपस्विनी की तपोभूमि है जिसकी चर्चा चारों दिशाओं में होती थी। यहाँ तक कि उनके पतिव्रता धर्म की चर्चा स्वर्गलोक में देवता भी करते थे। वो ऐसी तपस्विनी थी जिनके तपोबल का प्रभाव जब देवता आकाश मार्ग से जाते थे तो वो भी महसूस करते थे। ये आपको सामने दिख रहा होगा कि मंदाकिनी नदी का किनारा है, लोग यहाँ पे आते हैं, स्नान करते हैं। इस नदी की भी अपनी एक कहानी है। एक बार अतृषि को बहुत प्यास लगी थी और उन्होंने माता सती अनुसुईया के पतिव्रता धर्म के बारे में उन्होंने परीक्षा लेने की कोशिश की और उस परीक्षा में उन्होंने कहा, हे देवी, आज मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मेरी प्यास बुझा सकती हो? और तब माता सती अनुसुईया ने अपने तपोबल से मंदाकिनी नदी को ही प्रकट कर दिया और उसमें से जल लिया और अपने पति अतृषि को ले जाके पिला दिया। दोस्तों, इस तरह की तमाम ऐसी कहानियां हैं जो उनके बारे में प्रचलित हैं। मैं आपको अंदर ले चलता हूं मंदिर के, और आप मंदिर के अंदर देख सकते हैं कि उनके बारे में, उनके उस समय के बारे में, इस कहानी के बारे में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो प्रतीकात्मक रूप से मंदिर के अंदर बनाई गई हैं। जैसे कि उनके विवाह से लेकर उनके कन्यादान तक की कहानी है। जब भगवान राम अयोध्या से वनवास के लिए आते हैं चित्रकूट, तो माता सती अनुसुईया के इसी आश्रम में आते हैं सीता और लक्ष्मण के साथ, उस घटना का भी जिक्र किया हुआ है। बहुत सारे श्रद्धालु आज मंदिर में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं भक्त लोग आकर माँ सती अनुसुईया के उस तपोबल, उस प्रतिव्रता धर्म के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ब्रह्मा जी उनका कन्यादान कर रहे हैं क्योंकि अतृषि जो थे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। इस एक कहानी उनके बारे में और प्रचलित है। दोस्तों, काफ़ी समय पहले की बात है, महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया एक प्रतिव्रता स्त्री थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, उनके प्रतिव्रता उस धर्म को जानने के लिए एक बार कहते हैं नारद जी आते हैं, और नारद जी जब उनके इस धर्म के बारे में जानते हैं तो वो इसका प्रचार करने के लिए चारों दिशाओं में निकल जाते हैं और स्वर्गलोक जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने के लिए और यही चीज बताने के लिए। लेकिन उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जन अपने अपने लोकों में अनुपस्थित रहते हैं और उनकी जगह पे वो तीनों देवियों से मिलते हैं, और सती अनुसुईया के बराबर कोई प्रतिव्रता स्त्री संसार में नहीं है, इस बात को तीनों देवियों को बताते हैं। इससे तीनों देवियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती जो ईर्ष्या होने लगती है और वो कहती हैं कि हम तीनों से ज्यादा प्रतिव्रता धर्म का पालन करने वाली कोई भी स्त्री इस संसार में नहीं है। और जब माता सती अनुसुईया के बारे में वो सुनती हैं तो वो कहती हैं कि ऐसा क्या है उनके प्रतिव्रता धर्म में जो उनकी चर्चा आज स्वर्गलोक में हो रही है। इस ईर्ष्या में वो तीनों देवों को कहती है, जाओ और उनके प्रतिव्रता धर्म को भंग कर दो। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अपनी पत्नियों की बात को मान करके सती अनुसुईया के प्रतिव्रता धर्म को भंग करने के लिए आश्रम में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हे देवी, हमें भोजन कराइए। तो देवी भोजन बनाती हैं और जब उनको लाके भोजन रखती हैं तो कहते हैं कि हम भोजन तभी करेंगे जब आप निवस्त्र होके हमको भोजन कराएंगी। इस पर माता सती अनुसुईया जान जाती हैं कि ये देवताओं का एक छल है। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं वीडियो में कि ये बजरंगबली हैं, हनुमान जी हैं, और जब वो
विश्राम करने के लिए यहां पे आए थे लंका युद्ध के बाद, तो इसी जगह पे विश्राम किए थे क्योंकि यहां अपार शांति मिलती है, सुख मिलता है, और इसी आश्रम में उन्होंने भी विश्राम किया था। दोस्तों ये कहानी जो मैं आपको बता रहा हूं ये उनके पतिव्रता धर्म की कहानी है, जिसके दम पे उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बालक के रूप में 6 माह का बालक बना दिया और उनको अपना दूध पिलाया और पालने में सुला दिया। तो कहते हैं कि वही 3 देव सोम दत्तात्रेय और दुर्वासा के रूप में उनके पुत्र हो गए। दोस्तों इस तरीके की बहुत सी कहानियां हैं जो उनके बारे में प्रचलित हैं। उसके बाद तीनों देवियों को अपने उस अहंकार का पछतावा हुआ जिसकी वजह से उन्होंने अपने तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश को उनके पास भेजा था और जाके सती अनुसुईया से क्षमा याचना करती हैं। उसके बाद पुनः सती अनुसुईया उनको जो है उनका पूरे रूप प्रदान कर देती है। कहानी बड़ी रोचक है, आप आइए यहाँ पे, ऐसी बहुत सी कहानियां उनके बारे में यहाँ प्रचलित हैं। आप आश्रम में आइए, सपरिवार आइए और उस सती उस पतिव्रता तपस्विनी की उस कहानी को देखिए, सुनिए और लोगों तक पहुंचाइए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा।